Look at this masala dosa. बालाजी दोसा, अगर आप सर्च करते हो प्योर वेजिटेरियन है, और यहाँ पे मैंने कल खाया था, कल मैंने यहाँ पे चपाती सेट लिया था और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और डोसा काफ़ी पॉपुलर है यहाँ की, चटनीस तीखी है, काफ़ी डिफरेंट है कि इंडियन स्टाइल से, तो सोचा कि वहाँ मैं टेस्ट करूँगा। तो मैंने मसाला डोसा और मैसूर पाक ले लिया है, बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया था। तो एक सिस्टम है यहाँ पे, वहाँ से पहले आपको जो भी ऑर्डर देना है वो पे करना है आपको, फिर ये टेबल नंबर देंगे, वो लेके बैठ जाइए। तो पहले ही आपको पे करना है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। देखो तो 450 मसाला डोसा श्रीलंकन रुपीज़ और 120 मैसूर पाक। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी भीड़ रहती है। कल भी आया था तो काफ़ी लोग यहाँ पे खाना पसंद कर रहे हैं। लुक एट दिस मसाला डोसा, ये कोकोनट चटनी सांभर, और ये कुछ पोटैटो का कोई पता नहीं ग्रेवी लग रही है, और ये मैसूर पाक जिसके लिए मैं आया हूँ, और ये कोकोनट चटनी के लिए। और ये कोकोनट चटनी बहुत तीखी है, कल मैंने ट्राई की थी, तो वही सर्दी वाला थोड़ा माहौल लग रहा है, ठंडी वाला, इसलिए मैंने एक चटनी ट्राई करने का सोचा, बहुत ही सॉफ्ट। और अंदर ये ग्रीन चिलीज, यहाँ पे बहुत तीखा खाते हैं, श्रीलंकन फूड लाइक वेरी स्पाइसी। तो मैं ऐसे ही थोड़ा डोसा ट्राई करता हूँ। डिफरेंट टेस्ट है, साउथ इंडियन, इंडिया में जो टेस्ट है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पोटैटो की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी है, तो मैं सीधा और बिग बाइट लेता हूँ और एक कोकोनट चटनी के साथ डीप करता हूँ। बहुत ही अच्छी चटनी यार, स्पाइसी, ग्रीन चिली और कोकोनट को ब्लेंड किया हुआ है, और जो तीखी तीखी चटनी का टेस्ट आ रहा है ना, और कोकोनट उसको बैलेंस कर रहा है, थोड़ा सा कोकोनट नेचुरली स्वीटनेस होता है। ट्राई विद सम, ये कुछ ग्रेवी नहीं लग रही है। ओके, ये कल मैंने खाई थी चपाती सेट, उसके साथ ये थी और चने की सब्ज़ी थी। अच्छी, बहुत टाइम के बाद चपाती खाई थी, उसके साथ ये ग्रेवी थी। स्पाइसी, बहुत अच्छी। डोसा के अंदर तो आलू की सब्जी है, लेकिन ये भी आलू की ग्रेवी है, उस पर मस्टर्ड है और तीखे तीखे ब्लैक पेपर है, ग्रीन चिली। सांभर पूरा डिफरेंट है, साउथ इंडियन, मतलब अपने इंडिया में जो नॉर्मली डोसा खाते हैं ना, उससे टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत स्पाइसी है, पर बहुत अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। ओवरऑल फूड काफ़ी अच्छा है, सांभर भी में काफ़ी अच्छा है। तो मैं सीधा मैसूर पाक टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा बाइट लेके। टेक्सचर काफ़ी डिफरेंट है अपने वहाँ जो मैसूर पाक होता है, सब जगह की मैसूर पाक की क्वालिटी और मेकिंग स्टाइल पूरी डिफरेंट होती है। जैसे बाइट लिया मुझे लगा हार्ड होगा, बहुत ही सॉफ्ट, माउथ में एकदम आसानी से डिसॉल्व हो गया, और स्वीट नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा। कल मैंने लड्डू भी खाया था, बहुत ही अच्छा था। बने रहिए, सब सर्व करते रहिए। ओके ओके, तो भाई ट्राई करते हैं श्रीलंका में शरबत, वेजिटेरियन। थोड़ा सा ओके ओके, मुझे अलग ही लग रहा है, श्रीलंकन शरबत। थैंक यू।
लुक। तो ट्राई करते भाई यहाँ का श्रीलंकन शरबत। पता नहीं पहले उन्होंने कुछ ये कौन सा टेस्ट है फ्लेवर है पता नहीं, उसमें कुछ उन्होंने श्रीलंकन क्या बोला मुझे भी, अनानास ऐसा अनायास ऐसा कुछ बोला। काफ़ी काफ़ी गए उसमें सब्जा डाला मिक्स की आइस डाल के। अच्छा लग रहा है। कोई तो फ्रूट है समझ में नहीं आ रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई लोकल फूड होगा उसके अंदर सब्जा डाला है तो फ्रूट का सिंपल टैंक सिंपल टेस्ट है। हल्का सा खट्टा लग रहा है, ज़्यादा भी नहीं एकदम हल्का सा कभी कभी, और सब्जा तो एज इट इज़ जो हमारे वहाँ टेस्ट होता है। और ये कुछ कौन सा फ्लेवर है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर एनीवेज काफ़ी अच्छा टेस्ट है। श्रीलंका के इस गर्मी में इस रिमोट एरिया में शरबत पीते हुए एक छोटा सा गांव है वहाँ पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा है अभी चलते चलते मैं आ रहा था तो खाने का तो इतना मुझे मन नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे सर्च कर रहा था तो बिजी एरिया दिखाई दिया वो यहाँ पे लिंगन आइसक्रीम लिंगन क्रीम शॉप लिखा था, और मैंने सुना भी था कि यहाँ पे आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं लोग, तो मैंने चलो कुछ यहाँ का लोकल ट्राई करते हैं। वनीला मैंगो आइसक्रीम कॉफ़ी और पूरे संडेज आइसक्रीम फालूदास चॉकलेट पोक केक फ्रूट सलाड संडेज फ्रूट सलाड वाइट आइसक्रीम मेगा स्पेशल जेली विथ आइसक्रीम बहुत डिफरेंट डिफरेंट है ब्लूबेरी आइसक्रीम। तो 400-250 यहाँ की स्टार्टिंग है, मतलब अगर बात करूँ तो 90 रुपीज़ तो अपने वहाँ इतना रहता है 100, 150, 200, 300 के आसपास, लेकिन ये इंडियन करेंसी नहीं है श्रीलंकन करेंसी है। काफ़ी सारे यहाँ पे मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी फालूदा शरबत रॉयल फालूदा, काफ़ी लोग संडे स्पेशल खा रहे हैं, लड्डू भी है देखता हूँ। हेलो, काफ़ी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बहुत भीड़ है। और लिंगन आइसक्रीम शॉप नाम है और काफ़ी लोग यहाँ पे फालूदा मिक्स आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने अभी मंगवा लिया है, मैंने मंगवा लिया है मिक्स फ्रूट 350 श्रीलंकन रुपीस। ओके थैंक यू। तो ये भाई आ गया मिक्स फ्रूट, पता नहीं कैसा रहेगा, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोग यहाँ पे खा तो रहे हैं, देखते हैं फर्स्ट सिप लेके। तो ट्राई करते हैं यहाँ का मुर्गन आइसक्रीम शॉप। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, कुछ अलग ही है ये आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। मुझे लगा थोड़ा फालूदा स्टाइल में आएगा। वनीला आइसक्रीम है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सारी जेली डाली हुई है अंदर जो मैं आपको दिखाऊं, तो अगर ये मिक्स करता हूं मैं तो नीचे पता नहीं कौन सा सिरप है शरबत जैसा, और बहुत सारी ये देखो जेली डाली हुई है और ऊपर से आइसक्रीम है, कुछ सब्जियां वगैरह डाला हुआ है, छोटे छोटे फ्रूट्स के पल्प
आ रहा है, एप्पल का पल्प आया मुझे, मुझे तो फालूदा आएगा, थोड़ा सा मुझे फालूदा जैसा खाने का मिल वाला, लेकिन कोई नहीं, ये भी अच्छा ही है। तो बना रही है वीडियो यहाँ तक ही, लगते हैं मैं ऐसे भी इंजॉय करता हूँ।